वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावितों को संक्रमण मुक्ति के लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश प्रवक्ता विधायक अख्तरु इस्लाम शाहीन ने बड़ा कदम उठाया है। समस्तीपुर क्षेत्रीय विधायक शाहीन द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान समस्तीपुर कॉलेज स्थित कोविड केयर सेंटर की कुव्यवस्था और डॉक्टरों की अनुपस्थिति एवं लापरवाही देखकर दंग रह गए। डॉक्टरों की प्रतीक्षा में कोविड-19 प्रभावित मरीजों का हाल देखकर जिला चिकित्सा पदाधिकारी से वार्ता कर 3-4 MBBS डॉक्टर की नियुक्ति के बावजूद एक भी MBBS डॉक्टर अथवा विशेषज्ञ नहीं दिखने पर नाराजगी व्यक्त की और व्यवस्था में सुधार लाने और ए ग्रेड नर्स एवं अनुभवी EMT तैनात करने, समय समय पर मरीजों को भोजन व औषधि मुहैया कराने, मरीजों के परिजनों से अच्छा व्यवहार करने और बेडों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने, ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने, मेडिकल स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा गया। पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर व्यवस्था का जायजा लेने तथा साफ सफाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, मुखिया चंदन कुमार राय, जिला राष्ट्रीय जनता दल नेता राम कुमार राय, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रांतीय नेता पप्पू यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष शंभू यादव, छात्र राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष सतीश यादव, नेता अमित कुमार उर्फ अट्टा यादव, मुकेश यादव, मनोज पटेल, ज्योति महतो के साथ उपस्थित कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार, नर्स पूनम कुमारी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन राजेश कुमार इत्यादि उपस्थित थे। ऊपर की जगह है पूरा। अभी किस साइड है? नीचे से। अंदर तो ठीक है, लाइन करने कर सकता है, ये सब ठीक है। जेटर वगैरह है ना? हाँ हाँ, लाइन कटने का पेशेंट कब आया? कल की था आपको? नहीं, लाइन कटने में तो दिक्कत नहीं था, डॉक्टर साहब ले गए देखने। नहीं, मोबाइल नंबर उनके पास है? नहीं नहीं है। मोबाइल डॉक्टर साहब का अपना पास नंबर है? नहीं नहीं, पेशेंट का नंबर आपके पास है? मेरी माँ है पेशेंट। और मोबाइल है उनके पास? नहीं, मोबाइल के कोई पसंद आप जाते हैं उनके पास देंगे? तो आप पेशेंट का मोबाइल रखने में क्या दिक्कत है? नहीं देते हैं। वो नहीं हम नहीं देते हैं, जाने आने में दिक्कत नहीं। आप जाते भी हैं देखने? हम देखने जाते हैं, जितने भी लोग अपने से आप देखते हैं। नहीं होता है तो अपने से सुई देना पड़ता है। खाना खाना मिल रहा है? खाना कल आया था, आज नहीं आया। कल रात में आया था, सुबह में नहीं आया। खाना आया है, खाना गया। देखिए सर, वहाँ पर खाना अच्छा। आप लोग बोले रात में आया, बोला खाना बोला गया है। खाना के बारे में हम लोग नहीं रास्ता आया, कोई आदमी नहीं जानते हैं। खाना रखा हुआ है, सब आदमी को बोला गया है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। कल रात में आया, अभी बहुत आदमी लिए। कल रात में खाना आया था, लेकिन सुबह में नहीं खाना आया। उनको बुला देते डॉक्टर साहब को, अगर मत दिखा के हम उनको घर चल जाते। पेशेंट मरे या जिए कोई बात नहीं। डॉक्टर सुनता है 63 पे उनका पल्स रिपोर्ट, ऑक्सीजन सठ उनका था, 96 जनरली रहना होता है। हम लोग इस टाइम से दिए नहीं, लेकिन सुने हैं 96 होना, 95, 96 होना। हाँ कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं सर जल्दी लगाइए, तो जा रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग खड़े हैं, उसमें डॉक्टर साहब होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, शायद ऊपरे रहते हैं, उन्हें उतरते। ये सर काम कर रहे हैं, इनको देखते हैं, ये आए हैं। लेटरिंग का समस्या इनको पेशेंट के बारे में बताए हैं, तो ये बोले हैं 1-2 टेबलेट अपने मन से दीजिए, जो हमको मन हुआ तो दिए। ये है डॉक्टर अगरबत्ती आपके लिए लाते सर। सुना ना बच्चे, ये खुद नहीं नर्स बोल रहे हैं कि जा गया सब डॉक्टर सर। हम लोग का 2 अगर वो ज्यादा लग जाता तो कैसे डॉक्टर 2 बजे सीखा मेरा, तो 2 बजे के बाद ही ना सर। अभी कितना बज रहा है टाइम बताइए सर? 4 बज रहा है। मैं आपको 4 बार फोन कर चुका, अभी तक आपने पेशेंट को देखा भी है नजर से कि कौन पेशेंट? आप पहचान के बता सकते हैं कि हमारा पेशेंट कौन है? एक भी यहाँ अटेंडेंट है उसका पेशेंट आप नहीं बता सकते? सुन लो, आपका बात समझ में आ गया। उठा कर पेशेंट लेकर चले जाएंगे अगर बता दीजिएगा तो। सुनिए ना, अगर आप लोग को लगता है कि आपको प्रशासन व्यवस्था नहीं दे रहा है, आप हमको बताइए ना। हम DM साहब से बात करते हैं, ऊपर बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का अभी यहाँ पर अटेंडेंट लोग का कंप्लेन आ रहा है कि किसी तरह का सुविधा नहीं है, जिसको आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि सुविधा कम मिल पा रहा है। सब देख रहे हैं, आप हमारे पेशेंट को पहचान के बता देंगे कि हमारा ये पेशेंट है? अभी तक सुबह 11 बजे से भर्ती है। आप जो है ना सर, अगर आप नहीं देख रहे हैं, बताइए। एक बात, कमी पाई गई है सर, इस पर कुछ बताएंगे सर? नहीं, यहाँ पर डॉक्टर MBBS डॉक्टरों का यहाँ पर डिप्टेशन होना चाहिए। यहाँ पर आयुष वगैरह के डॉक्टर को दिया गया है, और जो जो ए ग्रेड नर्स की आवश्यकता यहाँ पर है, ए ग्रेड नर्स की
को यहाँ पर नहीं दिया गया है, और कुछ टेक्निकल स्टाफ होने चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है, और जो भी है एक टेक्निकल स्टाफ जो हैं वो लोग अपने से पेशेंट का सेवा नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन देना, ये करना, वो करना, वो ये बड़ा दिक्कत की बात है। इन लोग को चाहिए कि बढ़ चढ़ करके सेवा करना चाहिए। परिजन का आरोप है कि सर मरीज को देखने तक नहीं जाते हैं डॉक्टर। हाँ, ये इस तरह का शिकायत आ रहा है कि जो भी डॉक्टर हैं या फिर जो मेडिकल और स्टाफ हैं वह लोग पेशेंट से दूर हट रहे हैं और उनको उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको दवा देना, उनको इंजेक्शन देना, इस तरह की बात। सर, जानकारी की है, जानकारी के भी अभाव बताया जा रहा है, जान चली जाएगी, पेशेंट की जान चली जाएगी। यही लोग आए हैं, बहुत सारे अटेंडेंट से मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद कई डॉक्टर लोग जान पर खेल करके, कई मेडिकल स्टाफ जान पर खेल कर काम भी कर रहे हैं ऐसी विपरीत परिस्थिति में, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे स्टाफ कोताही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जान गंवा रहे हैं। इसीलिए जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि पूरी तवज्जा दें, डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ, ए ग्रेड नर्स, ये सबकी संख्या बढ़ाई जाए और यह तत्परता दिखाई जाए अटेंडेंट से बात करके कि वो लोग उनका केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कर्मचारी, जो डॉक्टर, जो मेडिकल स्टाफ अगर लापरवाही बरत रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं, वैसे के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर, तमाम शिकायतें हम DM साहब को करेंगे। सर, एम्बुलेंस कर्मी का कहना है कि हम लोग 8,000 की नौकरी करते हैं फिर भी जान जोखिम में डाल के करते हैं, वहीं NM और जो भी ए ग्रेड के नर्स हैं उसको 80,000 रुपया मिलता है फिर भी वो पेशेंट से दूर भागते हैं, इस विषय पर क्या कहना है? नहीं, ये सही है कि तमाम एम्बुलेंस वाले लोग धन्यवाद के पात्र हैं, तमाम वैसे लोग जो इस विपत्ति के घड़ी में, चाहे पुलिस के जवान हों, मेडिकल के जवान हों, डॉक्टर हों, स्टाफ हों, एडमिनिस्ट्रेशन के वह लोग, जो लोग पूरी तत्परता से जान पर रिस्क लेकर के अभी काम कर रहे हैं, सबको सैल्यूट है, सबको धन्यवाद है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में भी और अन्य जगह पर जो लापरवाही बरत रहे हैं और लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मौत हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए और अच्छे लोगों के खिलाफ हम लोग बधाई और धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। जो भी शिकायतें हैं, तमाम शिकायतें हम DM साहब से बात करके तमाम शिकायतों को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि अपने समस्तीपुर अनुमंडल में जो भी अभी समस्तीपुर कॉलेज पे हम लोग आए हुए हैं, जहाँ भी किसी तरह की जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का जल्द